चलो बेटा नेक्स्ट हेडिंग डालो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। हेडिंग डालो सेंट्रॉइड किसी ट्रायंगल का हम लोग सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे। बड़ा आसान होता है। अगर मान लो बच्चा मेरे पास में एक ट्रायंगल है, मेरे पास में एक ट्रायंगल है ए बी सी ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन कॉमा वाई वन, ऐसे ही बी वर्टेक्स है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स टू कॉमा वाई टू, और बच्चा सी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री। सेंट्रॉइड निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, सेंट्रॉइड को हम लोग जी से डिनोट करते हैं, जी से। तो सेंट्रॉइड जो जी होगा वो इक्वल टू होगा बेटा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइडेड बाई, टू होना चाहिए या थ्री होना चाहिए बेटा, तीन चीज़ को ऐड करो डिवाइड बाई थ्री कर दो, करो जल्दी। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, एक तो ये हो गया, ऐसे ही बच्चा वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री और डिवाइडेड बाई थ्री, ये तुम्हारे पास में सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आ गए। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला बड़ा आसान है। एक क्वेश्चन लिखो छोटा सा, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है, नन्नू मुन्नू सा। जल्दी बेटा, मैं नहीं कर रहा, इसमें सब कुछ तो पता ही है ना, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री, फॉर्मूला लगा दो आंसर आ जाएगा। मार्क्स नहीं लाता है केवल, पता नहीं क्या करता है, दिखा तो कैसे लिखता है, यहाँ ब्रैकेट लगा लिया कर बेटा। चलो जैसे ही सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगाया, तो सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइडेड बाई थ्री कॉमा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइडेड बाई थ्री। एक्स वन की वैल्यू है फोर प्लस टू माइनस थ्री डिवाइड बाई थ्री, थ्री प्लस टू प्लस फाइव डिवाइड बाई थ्री, सॉल्व कर दिया बेटा तो ये आ गया चार दो छः, छः में से तीन चले गए तीन, तीन से तीन को डिवाइड किया तीन बचे, नहीं वन बचा। ये तो मैंने वैसी कैलकुलेशन करी जैसे तुम लोग टेस्ट में करते हो। मैं देखता हूँ कई बच्चे ऐसे करते हैं, टू अपॉन टू कट्टी पिट्टी आंसर जीरो। एक तो ये करते हैं, पता नहीं क्या टेस्ट में, तो मैं ये देखता हूँ लगता है कुछ पढ़ाया ही नहीं गया, कुछ नहीं पढ़ा। अगर कभी भी टेस्ट हो क्या किया करो, सबसे पहले मेरे नोट्स पढ़ा करो, क्योंकि नोट्स में क्या होता है, मैं वो चीज़ें कराता हूँ हर टाइप का, एक एक दो दो क्वेश्चन तो कराता ही हूँ, पहले वो कर लिया करो, इसके बाहर कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम लोगों को लगता पेपर टफ है, नोट्स खोल के नहीं देखते हो एक बार भी, और नोट्स तो अब तो हर फॉर्म में है, ये पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल देता हूँ, लो। और मैं बनाते समय सच बताऊं दो गिलास ठंडा पानी पी के तब बनाता हूं आजकल। सर तीन पी लिया। नहीं तीन बगाड़ा काम बगाड़ा चार। अच्छा। यही बेटा ये आंसर हो गया। नेक्स्ट चलो जल्दी करते हैं, ये हो गया, ये क्या है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। चलो बेटा हेडिंग डालो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये भी हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, ठीक है बच्चा, लेकिन सीन ये है कि इसको मैंने देखा है, ये एग्जाम में आया है, तो इसको हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये सिलेबस में है,
डायरेक्ट एक फॉर्मूला है छोटा सा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। अभी तक तुम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के कितने फॉर्मूले जानते हो? एक तो जानते हो 1/2 बेस इनटू हाइट, दूसरा कौन सा? हेरोंस फॉर्मूला। क्या होता बेटा बता? एरिया इक्वल टू अंडर रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस क्या होता? पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू, यही तो होता है। चलो इसके अलावा अब अगर हम लोग ट्रायंगल की बात करें, मान ले बच्चा मेरे पास में कोई ट्रायंगल ले लेते, कोई छोटा सा अच्छा सा, एक मैंने ये ट्रायंगल बनाया, देख कितना क्यूट ट्रायंगल बनाया, मैथ से सिर्फ ज्योमेट्री पोर्शन हट जाए ना, आधे बच्चों की जिंदगी बच जाए। ये ज्योमेट्री में खून पीता है, उनको समझ में नहीं आता ट्रायंगल कहाँ जा रहा है। देख बेटा ये ट्रायंगल है ना, मेरे को पता राइट एंगल ट्रायंगल है कौन सा, कुछ नहीं पता। इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का बेटा एक फॉर्मूला ये भी होता है, ध्यान से सुनना, मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ इसको ऐसे ही याद रखना है। एरिया इक्वल टू, पहले मैं लिखूँ, पहले लिखना सीख लो बेटा, लिखना सीख लो। मैं लिखूँगा एक्स वन एक्स लिखा ब्रैकेट लगा दिया, तुम मन लिखना, फिर मैंने एक्स लिखा ब्रैकेट लगा दिया, फिर मैंने एक्स लिखा ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पे वाई लिख दो माइनस वाई कर दो, यहाँ वाई लिख दो माइनस वाई कर दो, वाई माइनस वाई कर दो, कर दिया। अब हमें ये जो वर्टेक्स लिखने होंगे इसके अंदर में उन पे ध्यान देना। देख बेटा मैंने कैसे लिखा, एक्स लिखा वाई माइनस वाई, ये लिख दिया। अब यहाँ पे लिख दो वन, यहाँ लिख दो टू, यहाँ लिख दो थ्री, यहाँ वन लिख चुके हो ना, यहाँ लिख दो टू। अब टू के बाद नेक्स्ट साइकिल क्या चलेगी, ऐसे साइकिल चलाएंगे, वन वन टू थ्री चलाएंगे, ठीक है। मैंने वन टू थ्री लिखा, यहाँ टू लिखा और यहाँ पे थ्री लिखा। अब जब टू लिख चुके तो यहाँ क्या लिखेंगे, वेरी गुड। नेक्स्ट बता बेटा, वन टू ब्रैकेट क्लोज कर दो, ब्रैकेट क्लोज करके एरिया निकाल रहे 1/2। आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, ये ऐसे याद रख लेना बेटा, है ना, आसान रहता है। कैसे याद है? एक्स लिखा वाई माइनस वाई वन, एक्स लिखा वाई माइनस वाई वन, एक्स लिखा वाई माइनस वाई वन, फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है, साइक्लिक में लिखते चले जाओ, आंसर आ गया। बड़ा अच्छा है, एक क्वेश्चन लिखो, हो गया बेटा एक मिनट। चलो लिखो तो बेटा, मैं हटाऊँ इसको। फाइंड द एरिया ऑफ मैंने ऐसे ही बेटा रेंडमली कोई वर्टेक्स ले लिया, ठीक है, बस एरिया निकाल दो, बस मैं ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि अच्छा ऐसे एरिया निकलता है। तो एरिया इक्वल टू हो गया फॉर्मूला 1/2 एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू। और एरिया कभी निगेटिव में नहीं आता, अगर निगेटिव में आए, वैसे इस पर मॉड भी लगता है बेटा, इधर देखो ऐसे करके मॉड भी लगाया जाता है। एरिया अगर निगेटिव में आए तो उसको एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेना, पॉजिटिव वैल्यू ले लेना। एक्स वन ये कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वन, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, ये हो गया बच्चा एक्स थ्री और वाई थ्री, सारी वैल्यू पुट कर दो। वन माइनस टू एक्स टू वन है, वाई थ्री टू माइनस वन एक्स थ्री वन है, वाई वन की वैल्यू है वन माइनस वाई टू वाई टू वाई टू वाई टू, वन अपॉन टू, अंदर अंदर सॉल्व किया तो ये आ गया माइनस का टू, ये आ गया प्लस का वन और ये आ गया ज़ीरो। यार मेरा तो आंसर ज़ीरो आ रहा है क्या? नहीं, तुम्हारा तो गलत आ रहा, और निगेटिव में होता नहीं है, तो पॉजिटिव करो। हाफ स्क्वायर यूनिट्स, ये बेटा तुम्हारा आंसर हो गया फाइनल। समझ में आया?
एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। अच्छा इसका यूज़ कहाँ करेंगे, सबसे बढ़िया यूज़ कहाँ होगा पता बेटा, कभी भी किसी क्वेश्चन के कोई कोलिनियर पॉइंट दे रखे हैं तीन और पूछा जाए ये कोलिनियर हैं या नहीं है, एमसीक्यू में आ जाए भाई ये फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ एक लाइन में, एरिया जब कोलिनियर पॉइंट होंगे उसका एरिया क्या आएगा बेटा, जीरो, क्योंकि एक लाइन पर कोई भी पॉइंट होंगे तो उनका आंसर जीरो आने वाला है, तो ये फॉर्मूला लगा देना कोलिनियर में आंसर जीरो आ जाए तो कोलिनियर है, नहीं जीरो आता तो नहीं है। ठीक है जल्दी करो, ये कोलिनियर वाले में यूज़ कर लेना क्योंकि एमसीक्यू में क्या पता चलता तुम किस मेथड से करके आ रहे हो, कोलिनियर वाले इससे करोगे जल्दी हो जाएगा, इसलिए ये करा दिया क्योंकि कोलिनियर वाला हम लोगों के सिलेबस में है। कौन सा ये वाला, अरे बेटा ये छोटू क्या था, मॉड नहीं लगाया था मैंने, जब मैं मॉड लगा रहा था तब तुम लिखने में बिजी थे छोटू, मॉड का मतलब होता है जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव ही लेनी है, ठीक है, इसलिए निगेटिव मॉडुलस का मीनिंग ही होता है कि वो पॉजिटिव वैल्यू देता है। कर लिया जल्दी करो, इसके बाद नेक्स्ट।